अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे हाइड पार्क का, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि पार्क कितने कनाल के ऊपर बन रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से प्लॉट हैं, कितने कितने मरले के प्लॉट हैं, और दूसरा आपको बताएंगे कि इसकी डांसिंग फाउंटेन की वजह से किस तरह इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, और तीसरा आपको बताएंगे इसकी मैप रिवीलिंग कब है, और आपको चौथा ये बताएंगे कि लास्ट डेट कब है ट्रांसफ़र ऑफ प्लॉट की, इसकी फाइल की, और आपको पांचवें नंबर पे ये बताएंगे कि आप अपना नंबर किस तरह लगवा सकते हैं अपनी पसंद का नंबर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाइड पार्क कितने कनाल के ऊपर बांध रहा है। तो आपको मैं बताता चलूं कि हाइड पार्क 2400 कनाल के ऊपर बांध रहा है। ये एक नेचुरल ब्यूटी वाला पार्क है, जिस तरह यूके में बना हुआ है सेम उसी तरह यहाँ पे इन्होंने सिटी हाउसिंग जेलम में हाइड पार्क बनाना है। 2400 कनाल इसका टोटल एरिया है, जिसके अंदर 5 मरला के प्लॉट होंगे, 7 मरले के प्लॉट नहीं है इसके अंदर, 8 मरला के हैं, 10 मरला के हैं, 1 कनाल 14 मरला के भी हैं और 2 कनाल के हैं, उसके अलावा 4 कनाल के फार्म हाउसेज भी अवेलेबल हैं। तो कमर्शियल साइड पे आ जाइए, तो रेजिडेंशियल थे तो कमर्शियल साइड पे आ जाए तो आपके 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप अभी उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे कमर्शियल के अंदर तो इन फ्यूचर वो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा, काफ़ी अच्छा ह्यूज बेनिफिट दे के जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं कि डांसिंग फाउंटेन की के साथ इसका क्या लिंक है। तो ये जो हाइड पार्क आ रहा है डांसिंग फाउंटेन की बैक साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो डांसिंग फाउंटेन से सीधा डबल रोड जाएगी आपकी हाइड पार्क की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो हाइड पार्क की वैल्यू है डांसिंग फाउंटेन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एशिया का बिगेस्ट डांसिंग फाउंटेन बन रहा है इधर सिटी हाउसिंग जेलम में, ठीक है। हाइड पार्क वो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, उसको टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो जब यहाँ से डबल रोड जाएगी हाइड पार्क की तरफ तो ऑटोमेटिकली इसके प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये है कि इसका मैप कब रिवील हो रहा है। तो काफ़ी भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि इसका मैप कब तक रिवील हो रहा है, कंपनी ने कहा था कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आपको बता दूं कंपनी के ऑफिशियल ने मुझे बताया है कि 13 तारीख को मैप आ जाएगा, 13 तारीख को आप अपना नंबर लगवा सकते हैं, अपनी पसंद का नंबर लगवा सकते हैं। तो इसमें आगे ये है कि लास्ट डेट कब है अपने ना, जो आपने ओपन फाइल रखी हुई है उसको अपने नाम करवाने की लास्ट डेट कब है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो लास्ट डेट है कि आप अपने नाम जो सी फाइल ट्रांसफ़र करवा ले, वो लास्ट डेट है आपकी 13 तारीख, ठीक है। तो अगर आप ओपन फाइल रखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई की हुई है कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे फाइल को। तो अगर आप अपने नाम करवा लेते हैं फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, अगर आप इंस्टॉलमेंट वगैरह भी पे नहीं करते। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इसके साथ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को जाएगा। 2 लाख इंस्टॉलमेंट है तो 1% टैक्स उसका 2000 रुपये है, अगर नॉन फाइलर है तो 2% टैक्स है तो वो 4000 रुपया टैक्स होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। और जो पांचवें नंबर पे है कि आप अपना नंबर किस तरह लगवा सकते हैं, तो ये काफ़ी अहम बात है, काफ़ी भाइयों ने मेरे से पूछा है कि हम अपना नंबर किस तरह लगवा सकते हैं। तो कंपनी ने इसका रूल बता दिया है कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे करते हैं तो आपका नंबर जोन सा है वो आप अपनी पसंद का नंबर जोन सा लगवा सकते हैं अंदर मार्केटिंग टीम से। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा, फाइनेंस वाले टोकन जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर अपना साइंस स्टैम्प करेंगे, फिर वो टोकन आपने मार्केटिंग वालों के पास लेके जाना है और वो आपके सामने मैप रखेंगे, जिस तरह आईफिल का सिनेरियो हुआ था। तो उधर जाके आपने अपनी पसंद का नंबर चूज़ कर सकते हैं। अगर कॉर्नर पार फेसिंग मेन बुलेवार्ड का कोई प्लॉट चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10% चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि उसी वक्त देने पड़ेंगे। आईफिल के सिनेरियो में ये था कि आप जो 9वीं 10वीं इंस्टॉलमेंट रहेगी है उसके साथ भी 10% दे सकते हैं, पर इसमें कंपनी कह रही है कि आपको नंबर लगवाएंगे, अगर आप कॉर्नर लगाएंगे तो फौरन आपको 10% पे करना पड़ेगा, फिर आप अपना जो सा कॉर्नर वगैरह या पार फेसिंग वाला या मेन बुलेवार्ड वाला नंबर लगा सकते हैं। ये था व्यूअर्स छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हाइड पार्क का।
इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिन भाइयों ने आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के किया हुआ है तो उनको काफ़ी लॉस वगैरह भी हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। आने वाला दौर हाइट पार्क है, ड्यू टू डांसिंग फाउंटेन इसकी डबल रोड जाएगी हाइट पार्क में, तो काफ़ी वर्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी किसी किस्म की इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। तो आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।